निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के उद्देश्य से जनपदीय दौरे पर आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सपा नगर कार्यालय संजय विद्यार्थी सविता ने टांडा स्थित सपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो जो हमारे प्रत्याशी हैं इनको मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं, एजाज अहमद अंसारी साहब को, और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि इतने मेहनती और जो अपने लोगों के बीच में हर समय सुख दुख में रहते हैं ऐसे अजीत प्रत्याशी। और हम खास तौर से अपने शोषित वंचित, क्योंकि मैं संजय विद्यार्थी एक पिछड़े समाज से आता हूं और अपने उन लोगों से विशेष तौर पे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, जैसे मैं एक नई परिवार में जन्मा हूं, हमारे तमाम समकक्ष के लोग हैं, कहार है, कुहार है, लोहार है, बढ़ई है, निषाद है, दिनस है, कश्यप है, चौरसिया है, तमाम ऐसे कम संख्या के जो लोग हैं जो समाज में उनकी अपनी एक पहचान है, उन लोगों से हम निवेदन और आग्रह करने आए और लोगों के बीच में भी हम जाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगभग हम कई जनपदों में होकर आ रहे हैं आपके जनपद में, जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो आताताइयों की सरकार है, ये सिर्फ हमको हमारे लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं, हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। अभी डिप्टी सीएम साहब आए थे, अभी भी उन्होंने कहा कि समाजवादी की सरकार में लूट घसोट और लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। हम उस डिप्टी सीएम साहब के बारे में क्या कहें, उनके स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, और इस समय क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रशासन के सामने हत्याएं हो जा रही हैं, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं। लेकिन अब क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं, पत्रकार तो हमारे साथ हैं, लेकिन इसके जो बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ नहीं हैं, इसलिए तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस घटना पे पर्दा डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का हौसला देखने मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेता सब लोग समाजवादी पार्टी के विचारों को लेके जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके के लोगों का हौसला मजबूत हो रहा, निश्चित तौर पे हम लोग इस चुनाव में बड़ी कामयाबी मिलेगी, कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे पूर्वज कहते थे कि जो केंद्र की सरकार है वो डीएम है और जो प्रदेश की सरकार है वो पटवारी है, जिसके पास डीएम और लेखपाल दोनों हो विकास नहीं कर पाए, तो आज चेयरमैन की बात कर रहे हैं। इनके एजेंडे में नहीं है विकास, इनके एजेंडे में नहीं है विकास, ये नहीं चाहते हैं कि शोषित वंचित गरीब तबके के नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान आए, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिले, उनको शिक्षा मिले, ये सिर्फ हमको आपको लड़ाने का काम कर। सपा के आधा दर्जन नेता सिंबल ना पाने के कारण कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, इस पे वो लोग अपना अपील क्या कर रहे हैं जनता से? अपील हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, चूंकि 12 से 17 आप लोगों ने भी उनके काम को देखा है, जिस तरीके से उन्होंने हर जात धर्म हर मजहब के लिए काम किया है, हम लोग उन्हीं बातों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे निवेदन और अपील कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करें। आने वाले समय में विकास अखिलेश यादव ने किया है, समाजवादी ने पार्टी ने किया है, आने वाले समय में भी हम लोग विकास करने का काम करेंगे।